Uh, आदरणीय साथियों आप सभी को सादर नमस्कार आदरणीय साथियों आप सभी को सादर नमस्कार आज की एक विशेष प्रेस वार्ता हम एक स्पेसिफिक आइडिया जो भारत में एक मुख्यमंत्री द्वारा प्रायोजित किया गया है और उस आइडिया के साथ किस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है उस आइडिया को लेकर आए हैं आइडिया क्या है सबसे पहले कृषि भूमि खरीदो फिर उस कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करा दो और फिर उस इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराने के बाद जो कंपनी इस कृषि भूमि खरीदकर इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराती है वो कंपनी भारत सरकार से 10 करोड़ रुपए का अनुदान भी ले लेती ग्रांट भी ले लेती इनके लिए सिर्फ एक ही शब्द दिमाग में आता है वॉट एन आइडिया सरजी पर यह आइडिया सबके लिए लागू नहीं है इस आइडिया को करने के लिए इस आइडिया का फल पाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के परिवार का सदस्य होना पड़ेगा और पूरा ब्यौरा लेके आया हूँ आज अब इस कहानी को शुरू करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना ये करूँगा कहानी शुरू करने से पहले कि ऐसा आइडिया हमारे बेरोजगार युवक के जीवन में भी आ जाए ऐसा आइडिया हम सब के जीवन में भी आ जाए कि हम इतनी तीव्र गति से कृषि भूमि कृषि भूमि से इंडस्ट्रियल लैंड इंडस्ट्रियल लैंड से अनुदान ले लो और कैसे अनुदान लिया गया क्या क्या हुआ उस कहानी को शुरू करते हैं कंपनी का नाम है प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड और ये कंपनी की वेबसाइट है इस कंपनी की वेबसाइट का ये होम पेज है जो महिला आपको दिख रही है वो असम के मुख्यमंत्री जी की पत्नी है हेमंत विश्व शर्मा जी की पत्नी है ये मैं नहीं कह रहा ये उस वेबसाइट का हवाला दे उसका कॉपी दे रहा हूं और इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है द लीडिंग रीजनल मीडिया हाउस कनेक्टिंग द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन ये मैं नहीं कह रहा ये वेबसाइट कह रही है इसने क्या किया इस कंपनी ने और इस कंपनी की सीएमडी के रूप में आप देखिए यहां पे लिखा हुआ रिंकी भूया शर्मा सीएमडी ये मैं आपको ये कागज दूंगा और आप चाहे तो इस वेबसाइट पे आप खुद भी ब्राउज कर सकते हैं कंपनी का नाम है प्राइम ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड यह कंपनी अपने आप को क्या बताती है कि हम नॉर्थ ईस्ट की मीडिया के लीडिंग चैनल है यह कंपनी क्या करती है मुख्यमंत्री जी की पद की जैसे ही शपथ लेते हैं उसके कुछ महीनों बाद 2021 के कुछ महीनों बाद यह कंपनी नौगांव आसाम में पचास हेक्टेयर पचास एकड़ सॉरी पचास एकड़ जमीन ये कंपनी खरीदती है और वो जमीन भी कृषि भूमि है और कृषि भूमि पचास बीघा एक्जेक्टली इट इज पचास बीघा नौगांव आसाम में और उसकी डिटेल आपको मैं बताता हूं उसकी डिटेल है विलेज दारीगाजी नौगांव आसाम ये ये कंपनी 50 बीघा जमीन नौगांव आसाम में कृषि भूमि खरीदती है ध्यान रहे मुख्यमंत्री जी ने पद गोपनीयता संविधान की शपथ ले ली है उसके बाद ये ट्रांजैक्शन चालू होता है उस खरीद के कुछ ही दिनों बाद मतलब बिजली की गति से वो कृषि भूमि कन्वर्ट हो जाती है इंडस्ट्रियल लैंड में अभी भी अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है इंडस्ट्रियल लैंड में खत्म होते ही ये कंपनी कहती है कि हम फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं जबकि यह वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है मैं नहीं बोल रहा लीडिंग नॉर्थ ईस्ट मीडिया चैनल और वो कहते हैं हम फूड प्रोसेसिंग का, का काम कर रहे हैं भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका डिटेल जिस स्कीम का नाम है किसान एग्जैक्ट स्कीम का नाम है मैं आपको बताता हूँ किसान ए, संपदा योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो कि स्कीम किसके लिए बनी है किसानों के लिए उस स्कीम में ये कंपनी कहती है जो कि अपने आप को लीडिंग चैनल बता रही नॉर्थ ईस्ट का वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन देती है कि मैं फूड प्रोसेसिंग का काम करूंगी और 10 करोड़ का उसको अनुदान भी दे दिया जाता है यह कब हुआ 2021 में तो मुख्यमंत्री जी ने पद गोपनीयता और संविधान की शपथ ली उसके बाद यह 50 बीघा जमीन यह कंपनी खरीदती है और यह कंपनी की पहले तो एग्रीकल्चर लैंड खरीदी जाती है एग्रीकल्चर लैंड से इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट हो या कर दिया जाता है इंडस्ट्रियल लैंड से यह कंपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए अनुदान के लिए आवेदन करती है और मोदी सरकार 10 करोड़ का अनुदान 10 करोड़ की ग्रांट इस कंपनी को देती है किसान संपदा योजना के तहत अब मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा ये कौन सी किसान संपदा योजना है इस कंपनी को दिया जा रहा और इस कंपनी को जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने जो दिया दस करोड़ का अनुदान उसकी ये एक जानकारी है इसमें दिया गया है आइटम नंबर टेन मैं पढ़ के सुनाता हूँ फर्म का नाम मैसर्स प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ये वही कंपनी है फिर लिखा है साहब इनके कौन है प्रमोटर रिनकी भुयान शर्मा उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी भी दिया गया फिर बोला गया साहब प्लॉट कौन कौन से हैं प्लॉट नंबर एक सौ अठहत्तर चौपन प्लॉट नंबर दो सौ पिचासी नंबर सात सौ सितयासी प्लॉट नंबर चार ऑब्लिक नौ सो तिरपन पर है ये विलेज दारियागाजी नौगांव आसाम फिर क्या कहा जाता है इसमें कि एक 25 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट पे ये किसानों के लिए काम ये काम एं, एंटरटेनमेंट कंपनी किसके लिए काम कर रही है किसानों के लिए 25 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट और 10 करोड़ रुपए का भारत सरकार अनुदान दे देती है ये कागज भी दूंगा मैं आपको जिसमें भारत सरकार ने आइटम नंबर टेन पे आप निगाह डालिएगा जिसमें दस करोड़ की ग्रांट दे दी जाती है अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि, ए, मीडिया चैनल वाले भी अचानक से कृषि प्रोसेसिंग के लिए अनुदान ले सकते हैं ये तो वॉट एन आइडिया सर जी और जो गति थी इस पूरी प्रक्रिया की ईश्वर ऐसी गति से अगर काम होने लगे तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया में हमारे मुकाबले कोई काम आ, हमारे स्तर पे आ ही नहीं सकता कुछ ही महीनों में कृषि भूमि कृषि भूमि कन्वर्टेड टू इंडस्ट्रियल यूज और उसके कुछ ही महीनों में दस करोड़ का अनुदान एक अपना पूरा जीवन खपा देता है कि उसको सरकारी कुछ सहायता मिल जाए नब्बे प्रतिशत तो बेचारे पूरा जीवन खपाने के बाद भी उनको कोई सहायता नहीं मिलती है और सहायता कोई इंडस्ट्री की सहायता नहीं मिली है कृषि के बजट से कृषि किसान संपदा योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये क्या हमारे इस बाबत चार सवाल है बहुत स्पेसिफिक सवाल है मोदी जी हम आपसे पूछना चाहते हैं जिस व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कहते थे लुइस बर्जर केस का आप हवाला दिया करते थे चिट फंड घोटालों में आप नाम लिया करते थे चुनावी रैलियों में भ्रष्टाचार का एक शिरोमणि व्यक्ति आप जिसको हेमंत विश्व शर्मा को कहा करते थे मोदी जी क्या ये आपका मॉडल है मोदी जी किसानों की आय डबल करने का कि किसानों का बजट का पैसा मुख्यमंत्री की पत्नी जिस कंपनी की सीएमडी है रातों रात कृषि भूमि कृषि से औद्योगिक भूमि औद्योगिक भूमि से दस करोड़ रुपया क्या ये मॉडल है किसानों की आय डबल करने का मोदी जी देश को बताइए मोदी जी दूसरा सवाल 2018-19 में भारत सरकार का आंकड़ा है कि किसान कृषि के काम से सत्ताइस रुपए कमा रहा है ट्वेंटी सेवन रुपीज पर डे ए फार्मर इज अर्निंग फ्रॉम कल्टिवेशन एंड मोदी जी ऑन अदर साइड किसान संपदा योजना के तहत दस करोड़ का अनुदान दे दिया जाता है वो भी रातों रात कृषि भूमि औद्योगिक भूमि और औद्योगिक भूमि से दस करोड़ का अनुदान मोदी जी ऐसी तीव्र गति हमारे लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेसमैन के लिए और लोगों के लिए क्यों नहीं तीसरा क्या ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मॉडल है इज दिस द मॉडल फॉर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये मैं भारत के सभी बेरोजगार युवकों की ओर से प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहले एक स्कीम देश ने देखी जिसमें जय शाह मॉडल ऑफ बिजनेस देश ने देखा अब दूसरी स्कीम देश देख रही है जिसमें हेमंत विश्व शर्मा मॉडल ऑफ बिजनेस देश देख रहा है ऐसा मॉडल और मोदी जी पूरा नहीं दे पाओ हमारे जो रोजगार युवक है उनके आइडिया को मोदी जी दस करोड़ नहीं दस लाख ही दे दो इस गति से दस करोड़ नहीं चाहिए उनको दस लाख ही दे दो वो तो कमा भी लेंगे उनके पास लगन है पर ऐसी कंपनी को देने से अच्छा मोदी जी अनुदान भारत के किसानों को दे दिया जाता है जो किसानों के बजट का मोदी जी वाई थर्ड मोदी जी इज दिस द एग्जाम्पल ऑफ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इस दिस द मॉडल एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द अनएम्प्लॉयड यंग पीपुल ऑफ आवर कंट्री दैट मोदी जी इज सच काइंड ऑफ स्कीम अवेलेबल टू क्रोड्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ आवर कंट्री इफ यस प्लीज गिव एश्योरेंस इन द नेक्स्ट मंथ की बात कि ऐसे ही देश के युवा भी कृषि भूमि खरीदो दो महीने बाद इंडस्ट्रियल लैंड उसके दो महीने बाद अनुदान ले लो दस करोड़ का इज दिस द स्कीम ऑफ बिजनेस विच यू आर प्रमोटिंग व वेरी स्पेसिफिक फोर क्वेश्चन आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द सब्जेक्ट एंड देन वी कैन टेक अदर इश्यूज ऑल्सो उन्होंने अब मैं तो आपको एक कागज दिखा रहा हूं क्या ये जानकारी गलत है क्या वे ये वेबसाइट की जानकारी गलत है बता दे कि ये वेबसाइट गलत है या ये महिला जो है ये असम के मुख्यमंत्री जी की पत्नी नहीं है जिनका नाम लिखा हुआ है सीएमडी क्या ये जानकारी गलत है जिसमें ये लिखा गया है पॉइंट नंबर टेन में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको और ये अनुदान की राशि का ऑर्डर है मैसेस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड रिनिकी भूया शर्मा प्लॉट नंबर 178 सेवनटी एट ऑब्लिक सेवन अपॉन नाइन फिफ्टी ऑब्लिक 787 423 ओब्लिक सेवन एटी सेवन ऑब्लिक नाइन विलेज दरियागाजी डिस्ट्रिक्ट नवगांव ग्रांट टें करोड इज दिस रॉन्ग अगर ये गलत है तो बताएं हमको कि ये अगर दोनों दस्तावेज गलत है अगर ये दोनों दस्तावेज गलत है हेमंतो जी तो बताइए आप हमको हमको बताइए कि ये दोनों दस्तावेज गलत है कि इस तरह का दस करोड़ का कोई अनुदान नहीं मिला कि इस तरह की कोई आपकी एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है जिसमें आपकी पत्नी सीएमडी है और इस एंटरटेनमेंट कंपनी ने दस करोड़ के अनुदान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को आवेदन नहीं किया था बताइए हम तो बोल रहे हैं बताइए हम तो आपके सामने स्पष्ट पूछ रहे हैं आपसे स्पष्ट सवाल अगर यह गलत है तो हमें जानकारी दीजिए देश को जानकारी दीजिए असम के लोगों को जानकारी दीजिए अगर यह गलत है तो और अगर गलत नहीं है तो मोदी जी मैं आपसे पूछता हूं क्या ऐसे व्यक्ति को जो आप कहा करते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उसके तहत क्या ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी अपने पद पर रहने का अधिकार है मोदी जी जो बिजली की गति से काम करता है सिर्फ अपने लिए प्रदेश के लिए नहीं अपने और अपने परिवार के लिए कृषि भूमि औद्योगिक भूमि और ग्रांट क्या आइडिया है सर जी वॉट एन आइडिया सर जी वी वी नेवर वी सच एन स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द फाइल्स वेयर एग्रीकल्चर लैंड इज कन्वर्टेड इंटू इंडस्ट्रियल लैंड एंड इंडस्ट्रियल लैंड इज कन्ट इंडस्ट्रियल लैंड गॉट ए टेन करोड़ रुपीज ऑफ ग्रांट वी हैड हैड वी वी नॉट सीन सच ए सच ए Speed of business which, at which this, this transaction had happened. And if this is wrong, if these, these two pictures, these two documents are wrong, please let us know that both of them are wrong. देखिए हमने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो आप जो कह रहे हैं भूमि इन किसानों की लैंड की इनफैक्ट मुझे याद है मैंने ही वो की थी और आरोप पे अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो या तो ईडी को पता ही नहीं कि गुवाहाटी की फ्लाइट कहाँ से मिलती है कि गुवाहाटी कैसे जाना होता है अगर नहीं पता तो हम बता सकते हैं दिन भर में दिल्ली से लगभग दस फ्लाइट हैं सारी हवाई जहाज की कंपनियां दिल्ली से गुवाहाटी की फ़्लाइट प्रतिदिन संचालित करती है सीबीआई को भी नहीं पता इनकम टैक्स को भी नहीं पता एस को भी नहीं पता तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जा सकते हैं दिल्ली से गुवाहाटी की दस फ्लाइट रोज़ चलती है फ़्लाइट में रिजर्वेशन नहीं मिले तो राजधानी गाड़ी ट्रेन भी चलती है आप जाइए और इसकी छानबीन कीजिए हम तो स्पष्ट आपके आरोप नहीं लगा रहे सर डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ अगर इन डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो हमें बताइए कि भाई हम ये वेबसाइट प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स की नहीं है बताइए बोलिए कि ये हमारी नहीं है ये बताइए कि इस कंपनी ने में हेमंत विश्व शर्मा जी की पत्नी सीएमडी नहीं है बताइए हमको ये क्लियर ये बताइए कि ये जो पॉइंट नंबर दस में दस करोड़ रुपये की ग्रांट की राशि है उससे इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है बताइए हमको हम तो सुनना चाहते हैं आपसे हम तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना हम डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं कर रहे पंद्रह लाख सबके खाते में आ जाएंगे दो करोड़ रुपये दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हो जाएंगे ऐसी बात तो कर नहीं रहे ना विथ डॉक्यूमेंट्स बात कर रहे हैं और मैं अपने यहां से नहीं लाया हूं ये वेबसाइट आप खुद एक्सेस करना मैंने इस अपने प्रेस रिलीज में इस वेबसाइट का लिंक भी दिया है आप जैसे ही उस वेबसाइट को डालेंगे ये ये चित्र आपके सामने आएगा मेरे को तो अभी तक एक चीज़ ये भी समझ में नहीं आई है जो मैंने मतलब मेरे को मेरे समझ के बाहर है कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी जो अपने आप को नॉर्थ ईस्ट की बड़ा न्यूज़ चैनल बताती है वो अचानक से फूड प्रोसेसिंग का, का काम करने लग गई ये तो वही बात हुई कि अचानक से क्रिकेट का कोई खिलाड़ी अचानक से बोले कि कल से मैं फीफा वर्ल्ड कप भी खेलूँगा पर ठीक है हो सकता है ये इतने विद्वान लोग हो कि अचानक से इनको सारा फूड प्रोसेसिंग का किसानों का किसानी का भी ज्ञान आ गया हो मुझे नहीं पता तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कहा करते थे बहुत हुई फलाना की बात अब की बार वो कहाँ चले गया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये कहां चले गया खाने नहीं खाने का मॉडल कहां चले गया क्या इन चीजों का जवाब असम के लोग नहीं चाहते हैं क्या इन सवालों का जवाब देश के नौजवान नहीं चाहते हैं कि वो जीवन भर भारत सरकार से एक लाख रुपए के अनुदान के लिए जीवन खपा देते हैं कि भाई मेरा बिजनेस स्टैंड हो जाएगा मेरी छोटी दुकान स्टैंड हो जाएगी यहाँ रातों रात कृषि भूमि औद्योगिक भूमि और दस करोड़ अनुदान मैंने भी कई एंटरप्रेन्योर से जीवन में चर्चा करी पर यह स्पीड तो मैंने इसकी आधी स्पीड भी किसी भी एंटरप्रीनियर के बिजनेस में नहीं देखी बिल्कुल इसको हम असम विधानसभा से लेकर असम की सड़कों तक ये मुद्दा उठाएंगे पर आज उससे भी बड़ी सवाल ये है कि हमारी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता प्रधानमंत्री जी गृहमंत्री जी सीबीआई को बोलिए कि तुरंत जाके जांच चालू करें ईडी को बोलिए कि हेमंत विश्व शर्मा जी को यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए नोटिस भेजें हम तो ये मांग करते हैं अगर ये इन 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 कागज़ों में सच्चाई है तो और ये कागज़ पब्लिक डोमेन में है मैं तो दे ही रहा हूँ आपको आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिलेंगे अगर इन कागजों में सच्चाई है तो अगर आपको ये कागज मैं तो आपको प्रेस वार्ता बात दूंगा पर ये आपको मिल जाएंगे और अगर ये कागज झूठे हैं तो बताइए प्रधानमंत्री जी कि ये सारे कागज झूठे हैं हेमंत विश्व शर्मा जी बताइए कि ये सारे कागज झूठे हैं Regarding regarding the G twenty leaders that have been published by the government, Bharat, the mother of democracy, they has no mention of the noodles besides a passive remark on they've also showcased the history of main Bharat. So uh do you have any see Bharat, India, Hindustan? I I I I can't understand what they want to prove. BPCL, Indian oil bharat petroleum corporation limited, indian oil. we have hindustan petroleum also. so what we are going to do now? are we going to change all three? see, we are more interested in serious issues, ma'am. and on your, from, from, on, from my behalf, i would like to convey you, and please share that to the prime minister and his council of ministers, that country wants employment.

सैंतीस परसेंट दालों के दाम एक साल में बढ़े 37% सेवन परसेंट देर इज ए प्राइस राइज इन इन द पल्सिस वी आर इंटरेस्टेड फॉर दीज इश्यूज मोदी जी प्लीज डोंट ट्राई टू डाइवर्ट एस वी आर इंटरेस्टेड व्हाट इज योर टेक ऑन एवर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट नंबर व्हाट इज योर टेक ऑन एवर इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन व्हाट इज योर टेक ऑन एवर इंक्रीजिंग केसेज

मेरे को कंफ्यूज मत करो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ क्योंकि हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है दैट इज दैट इज देयर लुकआउट बाय मेंशनिंग और नॉट मेंशनिंग दैट इज देयर लुकआउट बट बाय नॉट मेंशनिंग कैन यू चेंज द हिस्ट्री यू हैड ट्राइड टू चेंज द नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूज दिस लाइब्रेरी वॉट हैपन अरे आप लोगों के दिलों में पंडित जी की जो जगह है उसको थोड़ी मिटा पाओगे तो ये लिखने नहीं लिखने से कुछ नहीं है आप जो चाहे करिए पर रोजगार महंगाई और निरंतर बढ़ते हुए अत्याचार जो महिलाओं पर दलितों पर ट्राइबल्स पर हो रहे हैं उसको रोकिए है। बाक़ी ये इस इन चीज़ों से डाइवर्जनी टैक्टिस बोर हो गए एक ही मॉडल देख देख के बोर हो गए आपको ये चीज भी करनी है तो नए ढंग से प्रस्तुत करिए नाम परिवर्तन नाम परिवर्तन नाम परिवर्तन अब मैं अभी आज रख दू मैं गौरव वल्लभ कल से बोलूंगा मेरा नाम गौरव वल्लभ नहीं है प्रोफेसर जी वल्लभ है अब कोई गौरव नहीं बोल सकता मुझे प्रोफेसर जी वल्लभ बोलिए वट इज दिस वट इज दिस या परसों बोलू नहीं आज से जी वल्लभ भी नहीं प्रोफेसर जीवी कोई और दूसरा तीसरी चीज नहीं बोल सकता आपको अच्छा लगेगा मैं आपसे पूछता हूं आपको अच्छा लगेगा ये सब सुन के yeah. हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं फिनेंस में दैट सब्सटेंस इज ऑलवेज ओवर फॉर्म ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फिनेंस का कि ट्रांजेक्शन की सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होती है फॉर्म उसका नाम नहीं इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एक कहावत भी है हिंदी में आंख से अंधा और नाम नैन सुख आपने सुनी होगी <laughs> तो सर एक और सवाल आई कॉन्ट मेक एनी कमेंट बिकॉज पीएम केयर में चंदा किसका सबसे ज्यादा आया था होवे और कौन सी एक कंपनियाँ हैं मोबाइल की एम आई एक और कंपनी है पीएम केयर में चंदा उन्हीं का आया था ना तो मुझे नहीं पता क्या कारण है पर यह जरूर मुझे पता है कि पीएम केयर में चंदा चाइनीज कंपनियों से आया था और इसी पटल पर बैठ के हमने मोदी जी से आग्रह किया था कि इन चीनी कंपनियों का चंदा लौटा दो देश का हर व्यक्ति एक एक रुपया जोड़ के आपके खजाने में डाल देगा पर इन चीनी कंपनियों से चंदा लौटा दो जिन्होंने गलवान घाटी में पीछे से हमला करके भारत माँ के बीस सपूतों को वीरगति दी हमने आग्रह किया था पर पता नहीं चीन से क्या उनका प्रेम है बार बार जाते हैं मिलते हैं मुझे नहीं पता मेरे को तो चावल रोटी और सब्जी भाती अब जिसको नूडल से प्रेम है मैं क्या करूँ सर एक आपके काउंटर पार्ट हैं संबित पात्रा उन्होंने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा है कि जो मीटिंग होने जा रही है इंडिया की समन्वय समिति की उन्होंने इसका नाम दिया है कि एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये मीटिंग है जहां सनातन विरोधी बातें की जाएंगी और सोनिया गांधी के इशारे पर यह सब डेलीबेटली और सोच समझ के किया जा रहा है सनातन विरोधी हैं ये लोग एक बार मैंने जिन सज्जन का आपने नाम लिया उनसे पूछा रामचरित की एक चौपाई सुनाओ रामचरित मानस की चौपाई आती नहीं है हिंदू धर्म की सभ्यता संस्कार पता नहीं है और एंटी हिंदू एंटी हिंदू एंटी हिंदू क्या आता है उनको हिंदू धर्म के बारे में मैंने तो चुनौती दी उनको नहीं उनकी पार्टी के कोई दूसरा व्यक्ति भी धर्म के बारे में कोई विचार विमर्श करना चाहे तो लगाते हैं सत्संग करते हैं सत्संग आप सब लोग भी आइए वो धर्म के बारे में क्या जानते हैं वो व्यक्ति हिंदू धर्म को समझ ही नहीं पाता समझ ही नहीं सकता जिसको ये अनु बार बार लगता है कि दूसरे लोग धर्म का पालन नहीं करते वो व्यक्ति हिंदू धर्म की अनुपालना कर ही नहीं सकता ये धर्म में वेदों में लिखा हुआ कि धर्म में तो अगर आपको लगता है कि आप ही धार्मिक और दूसरे सब अधर्मी है इसका मतलब आप धर्म का मर्म समझ ही नहीं पाए हिंदू धर्म का क्या संस्कार है उनको हिंदू धर्म के संस्कार में ऐसे बोला जाता है ए आज से तेरा नाम ये ये ऐसे बोलते हैं हिंदू धर्म के संस्कार में हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुम्बम की भावना के साथ आगे बढ़ता है हिंदू धर्म तो सर्वधर्म संभाव की भावना से आगे बढ़ता है हिंदू धर्म तो यह कहता है कि जिन धर्मों में जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करो और ये टीका टिप्पणियां मत करो आता कुछ है नहीं ना तो धार्मिक पुस्तकों के बारे में ज्ञान है ना धर्म के बारे में ज्ञान है ना वेदों के बारे में ज्ञान है ना उपनिषदों के बारे में ज्ञान है बस बोलो कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है कौन है हिंदू धर्म के खिलाफ, खिलाफ? मैंने मैं ये आपको कह रहा हूँ कि वो डीएमके से पूछो हमने तो हमारी स्थिति बार बार स्पष्ट करी है मुझे नहीं पता डीएमके के लोगों ने क्या कहा पर मैं कहता हूँ यहाँ इस पटल पर बैठ के कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ अब वही मैं उनको यही आग्रह करूंगा राघव जी जो भी बोले पहले केजरीवाल जी से चेक करवा लें फिर बाद में आ केजरीवाल जी आपको डांटते हैं और उनको दूसरी बात बोलनी पड़ती है आप उनसे पहले एक बार उनके जो भी बोले उस कागज पे उनके हस्ताक्षर करा लें और ज्यादा आप ऐसे बोलेंगे राघव जी राजनीति में इतना ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता ये मेरे बड़े भाई के रूप में उनको सलाह है